है ना, तो हम स्टाइकोमेट्री पढ़ रहे थे बेटा, स्टाइकोमेट्री है ना, अगर किसी को बहुत डिफिकल्ट वर्ड लगता है तो बोलते बोलते समझ आएगा। स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बात क्या ध्यान रखनी है बेटा, स्टाइकोमेट्री में हमें हर चीज को किस में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। कुछ भी गिवन हो केमिकल रिएक्शन में, हमें हर चीज को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स में करना है। तो हमने एक दो क्वेश्चन किए थे, अभी और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्यूरिंग कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ, देखो कंप्लीट मतलब पूर्णता है ना, डिकम्पोजिशन मींस विघटन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है, मैंने बोला था कि अभी तो तुम्हें चलो इक्वेशन वगैरह दे रहे हैं, पर वैसे इक्वेशन वगैरह नहीं मिलेगी। तो पोटेशियम क्लोरेट इज, पोटेशियम इज के, क्लोरेट होता है Cl3- आयन, ठीक है। तो पोटेशियम होता है बेटा के, और क्लोरेट होता है Cl3- आयन, तो पोटेशियम क्लोरेट है ना, के प्लस एंड Cl3-। 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म। तो क्या कह रहा है, जब पूर्ण विघटन होता है पोटेशियम क्लोरेट का, तो 12.8 ग्राम ऑक्सीजन हमें मिलती है, ठीक है। तो फाइंड इनिशियल मास, मतलब इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, कि हमने कितने दर, मास मतलब दर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, तो हमने स्टार्टिंग में कितने मास, कितने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट लिया होगा, तो हमें 12.8 ग्राम ही ऑक्सीजन मिली। मतलब पूरी पूरा का पूरा पोटेशियम क्लोरेट मैथस्ट्रिक्स में यूज होता है बेटा, इसलिए है ना, यहाँ पे सपोज मैथस्ट्रिक पे मेरे पास कितने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट है, कि ये जो ऑक्सीजन निकल रही है ये 12.8 ग्राम मिली हमें। समझ में आया क्वेश्चन बेटा? तो विघटन है ना, विघटन या कंबशन कुछ भी लिख सकते हैं, अभी तो विघटन ही हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, सीधे सीधे ब्रेक हो रहा है। विघटन मतलब टूट जाना, तो ये ब्रेक हो रहा है सीधा सीधा। देखो भाई गिवन क्या है क्वेश्चन में, हम वो लिखेंगे, मैंने बोला था पहले हम वही लिखते हैं। तो 12.8 ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। रिएक्शन यही है बेटा, मैं रिएक्शन फिर से लिखता हूं भाई। देखो रिएक्शन हमारे पास KClO3 गैस, KCl प्लस O2, बैलेंस नहीं है बेटा रिएक्शन, बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। तो फिर स्टाइकोमेट्री किस बात की, स्टाइकोमेट्री कॉफिशियंट। तो KCl, KCl देखो K1 है, क्लोरीन क्लोरीन बराबर है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूं, 3 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितने टाइम्स हो गए, ऑक्सीजन 6, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। समझ में आया? अब पोटेशियम भी 2 टाइम्स हो गया, क्लोरीन भी 2 टाइम्स हो गया, तो KCl को भी, अब देख लो रिएक्शन बैलेंस है, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो ये 2, 2 एंड 3 क्या हो गया, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। अब रिएक्शन किस हिसाब से चल रही है, कि 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं, है ना, इसको लिख लेते हैं बेटा, रिएक्शन किस हिसाब से चल रही है, कि 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड अगर हम लेते हैं तो हमें 2 मोल KCl मिलता है और 3 मोल ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। 2 मोल KClO3 का विघटन करोगे तो 2 मोल KCl मिलेगा, डिकम्पोजिशन तो 2 मोल KCl मिलेगा और 3 मोल ऑक्सीजन हमको मिलता है, ये हो गई। अब देखो 2 मोल का मतलब क्या है बेटा, 2 × मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl है ना, समझ में आया, परमाणु आणविक दर, सॉरी परमाणु दर, ठीक है, 2 × 1 मोल का जो मास होता है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, यानी कि 1 मोल कोई भी कंपाउंड का मास उसके परमाणु दर के बराबर होता है, तो यहाँ 2 × परमाणु दर हो जाएगा बेटा। ऐसे ही KCl का जो 1 मोल KCl का मास होगा, वहां 2 × मॉलिक्यूलर वेट परमाणु दर, ऑक्सीजन के लिए 3 × 1 मोल का 32 होता है, 3 × 32। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं सबका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मैं देखो फोकस आ रहा है भाई, हाँ ठीक है। तो सबका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट देखो कैलकुलेट करेंगे तो पोटेशियम का होता है बेटा 39, कैल्शियम क्लोरीन का होता है 35.5, मैंने क्वेश्चन भी दिया था एवरेज निकालने के लिए, और 3 ऑक्सीजन है तो 48, ठीक है। तो ये आया 0.5 है ना, 9, 5, 14 और 8, 22, 2 कैरी हुआ, 3, 2, 5, 3, 8, 4, 12, 122.5। तो 1 मोल पोटेशियम क्लोरेट का 122.5 होता है, हमें कितना लेना है 2 मोल, तो मैं यहां लिख सकता हूं 2 × 122.5, ठीक है, यानी कि कितना हो गया
मोल का मतलब 245 ग्राम। तो 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट लेंगे तो 2 मोल मिलेगा। 2 मोल केसीएल का मतलब 39 प्लस 35.5, तो ये आया 0.5, 14, 74.5 है ना, 74.5। तो मतलब कि 2 × 74.5 कितना हो गया, 75 × 2 होता है 150, उससे 0.1 लेस करना है, 1 लेस करना है, तो 149 ग्राम्स। और ये तो हमें पता ही है, 3 × 32, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 96 ग्राम्स। और देखो भाई, समझ में आया, तो 2 मोल KCLO3 का विघटन हुआ, तो 2 मोल KCL मिला और 3 मोल ऑक्सीजन मिला, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 245 ग्राम KCLO3 का विघटन करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, तो हमें 2 मोल मिलेगा KCL, दैट इज 149 ग्राम, 3 मोल ऑक्सीजन मिलेगा। अब इसमें ये चेक कर लो कि हमने सही कैलकुलेट किया है कि नहीं, तो हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं बेटा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से हम चेक कर सकते हैं कि हमने अप्लाई जो किया है वो सही है कि नहीं। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अप्लाई करो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है ना, कुल रिएक्टेंट का मास बराबर होगा कुल प्रोडक्ट के मास से, दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल, शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ऐड कर दो बेटा इसको, ऐड कर दो एंड चेक कि हमने कैलकुलेशन सही किया है। देखो भाई, आ रहा है 9 एंड 6 15 है ना, 9 4 13 एंड 14 एंड 1 245 ग्राम्स। तो मतलब कि हमने ये करेक्ट कैलकुलेशन करी है सबकी, कोई भी मतलब मॉलिक्यूलर वेट या मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। कैसे पता चला बेटा, कानून याद आया, कौन सा कानून, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। कानून कभी भी गलत नहीं हो सकते, ठीक है, रूल्स बेंट हो सकते हैं, रूल्स में एक्सेप्शन हो सकता है। मैं तुम्हें केमिस्ट्री में बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे पर उस हर रूल का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी बताएंगे, ठीक है, तो ये याद रखना कि जब भी रूल्स की बात करेंगे तो एक्सेप्शन बताऊंगा ही बताऊंगा, क्वेश्चन उसी से आएगा भाई। पर लॉ जो है, लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं होता, इसीलिए तो वो लॉ है, क्योंकि तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन इज राइजिंग इन ईस्ट, ये लॉ ही है बेटा, ये नेचर का लॉ है, ये रूल नहीं बोला जाता है, इट इज अ लॉ, सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, ठीक है, क्लियर। तो यहां तक समझ आया बेटा। अब हम क्वेश्चन में जो गिवन है, अभी तक तो जनरल स्टाइकोमेट्री का रिवीजन कर रहे थे, अगर तुम्हें नहीं क्लियर है तो उसके हिसाब से भी लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं एक मेथड दो मेथड बताऊंगा इजी, जो तुम्हें इजी लगे, जो तुम्हें कैलकुलेशन सिंपल लगे उससे कर लेना, क्लियर है। तो देखो बेटा है ना, हम ये इस कॉन्क्लूजन में पहुंच गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, तो पोटेशियम क्लोरेट का कह रहा है कि जब डिकम्पोजिशन होता है तो हमें इतनी ऑक्सीजन मिलती है। यहां तक नोट कर लेना भाई, फिर मैं शायद रफ भी कर दूं पॉज करके। तो अब उसके बाद देखो कि जब डिकम्पोजिशन होता है KCLO3 का, तो हमें इतनी ऑक्सीजन मिलती है, हमें अभी इससे कोई लेना देना नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है कि इतने 12.8 ग्राम ऑक्सीजन मिलती है, जब कितना भी कुछ अमाउंट है एक्स ग्राम KCLO3 है उससे 12.8 ग्राम मिलती है, तो बताओ एक्स कितना KCLO3 है, मैथ स्टिक पे कितना KCLO3 है कि ऑक्सीजन 12.8 ग्राम मिल रही है हमें, क्लियर है। तो इसके लिए सिंपल लॉजिक अप्लाई करेंगे बेटा, कि देखो जब मेरे पास 245 ग्राम KCLO3 होती है तो ये 96 ग्राम ऑक्सीजन देती है, ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, 245 ग्राम KCLO3 गिव्स 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मेरे पास कितनी ऑक्सीजन है, 12 ग्राम है, तो मैं एक चीज करता हूं कि 1 ग्राम ऑक्सीजन इधर से ही लिखता हूं, देखो 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, 96 इधर डिवाइड कर देंगे, तो बताओ अगर मुझे 1 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवानी है तो कितना KCLO3 चाहिए होगा, तो क्या करेंगे, 245 बाय 96, 245 बाय 96, क्लियर है। मुझे कितने के लिए पता करना है, 12.8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए पता करना है भाई,
तो बताओ भाई 12.1 ग्राम के लिए सपोज x है तो 12.8 के लिए कितना हो जाएगा 12.8 इनटू x, समझ में आया भाई। तो 1 ग्राम के लिए जो भी वैल्यू होगी तो 10 के लिए कितनी, अगर 1 ग्राम के लिए x है तो 10 के लिए 10 इनटू x, 20 के लिए 20 इनटू x, 100 के लिए 100 इनटू x, 12.8 के लिए 12.8 इनटू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 245 अपॉन 96 इनटू 12.8, तो इतने ग्राम जो भी आएगा उतना ग्राम KCl3 चाहिए होगा और 12.8 ग्राम प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि जितना भी KCl3 आएगा उतने ग्राम हमें चाहिए होगा। सॉल्व करो एंड आंसर मुझे लिख के बताओ भाई। आई होप सबने सॉल्व किया होगा अभी तक। 245 अपॉन 96 सॉल्व करोगे तो 2.55 आएगा, इनटू 12.8 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आई होप सबका आंसर 32.67, और सबने कमेंट्स में भी लिखा होगा आई होप। नहीं लिखा है तो पहले न्यूमेरिकल्स का आंसर कमेंट में लिखा करें एंड देन यू शुड चेक, ठीक है। कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो, गलत भी आए कोई बात नहीं, हम क्लास में भी तो गलत बताते हैं, कौन सी बड़ी बात है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा अभी गलत होगा तो हमेशा तुम्हें कंसेप्ट याद रखेगा, टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं, पढ़ के जाते हैं गलत कर देते हैं, हमेशा वो मिस्टेक याद रहती है। तो वही है बेटा, प्लीज है ना, उन सब चीजों से मत घबराओ, साथ के साथ सॉल्व करते चलो, तभी अगर जितने भी मिनट का लेक्चर होता है ये मान के चलो उतने मिनट में तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, उससे ज्यादा टाइम ही लगेगा पॉज करके लिखना सॉल्व करना, जस्ट लाइक अ क्लासरूम एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम जस्ट एज इट इज रीड कर रहे हो, सुन रहे हो या नहीं भी सुन रहे हो, फॉरवर्ड किया ये किया हाँ ठीक है पढ़ लेंगे, तो वो ये सब जो एक्सक्यूज है ना बेटा ये तुम्हें सब लास्ट में पे ऑफ करेंगे, यू वॉन्ट बी गेटिंग गुड मार्क्स। फिर ये होगा कि लास्ट में सर हम पढ़ते बहुत हैं मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। मार्क्स कैसे आएंगे बेटा, तुमने शॉर्टकट अप्लाई किया है, शॉर्टकट से कभी सक्सेस नहीं मिल रही भाई। ओनली रीजन फॉर सक्सेस, ट्रू सक्सेस इज एंड लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस इज जस्ट हार्ड वर्क, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अभी नहीं करोगे तो तब ज्यादा करना पड़ेगा भाई, 12 घंटे की जगह है तो मैं तो 15-18 घंटे पढ़ने पड़ेंगे अलग से, फिर से कंसेप्ट रिवाइज, पर तब क्या होगा, तब तो बहुत पुराना हो चुका होगा डाउट, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट अलॉन्ग विद द लेक्चर्स, अलॉन्ग विद ईच डे जस्ट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग न्यू, ठीक है। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो खुद से सब ट्राई करेंगे और नहीं तो हम करते हैं। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन सी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ क्विक लाइम फ्रॉम हीटिंग ऑफ 400 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज 80% प्योर, ठीक है, विच इज 80% प्योर। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, देखो सिंपल टर्म्स में मैं रिएक्शन लिखूं तो ये रिएक्टिव हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम, मैंने बताया था लाइमस्टोन मार्बल चौक वगैरह ये सब बोलते हैं, क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन होता है, विघटन होता है, तो ये ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में ब्रेक होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है याद है अगर किसी को, तो मॉलिक्यूलर वेट मैंने बोला था ऐसा नंबर है कि याद ही रहता है, दैट इज 100 ग्राम्स, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट इज 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करेंगे तो क्या कह रहा है कि 400 ग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कितना गिवन है भाई, 400 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, 400 ग्राम। तो क्या कह रहा है कि कितना क्विक लाइम प्रोड्यूस होगा, ठीक है, विच इज 80% प्योर, है ना, कि 80% वो शुद्ध है सिर्फ। तो देखो भाई रिएक्शन से पहले तो स्टाइकोमेट्री से देखते हैं, स्टाइकोमेट्री से रिएक्शन बैलेंस्ड है बेटा, तो बैलेंस्ड है,
एक कैल्शियम, एक कार्बन और तीन ऑक्सीजन, बैलेंस ही है, 1:1:1। हमें CO2 से मतलब नहीं है, जैसे पहले KCl से मतलब नहीं था, क्वेश्चन में उसका नाम नहीं है पर रिएक्शन में तो निकलता ही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो 100 ग्राम 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है, देखो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, 1 मोल, 1 मोल का मतलब कितना ग्राम बेटा, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर तुम बर्न करोगे या डिकम्पोज करेंगे तो हमें कितने ग्राम, 40, कैल्शियम का 40 होता है एटॉमिक मास, पोटेशियम का 39 होता है, 40 प्लस 16 तो हमें 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, 1 मोल से 1 मोल, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, 1 मोल को हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, परमाणुीय दर, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड का परमाणु दर कितना है बेटा, 56 ग्राम। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब क्या कह रहा है कि बताओ मेरे पास 400 ग्राम है, ये 400 ग्राम मतलब कितने मोल हो गया, कोई बता सकते हैं, 4 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि एक मोल 100 ग्राम का है तो 4 मोल्स कितने हो जाएंगे। तो देखो अगर मैंने इसके 4 मोल्स लिए या क्वेश्चन में गिवन है, 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मींस कितने हो गए बेटा, 4 मोल्स हो गए, तो बताओ ये कितना प्रोड्यूस होगा, तो ये भी तो 4 मोल ही होगा। अब 4 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना होगा, ये तो गिवन नहीं है, फाइंड कर लेते हैं, क्या करें, 4 × 56 है ना, तो 4 × 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा हमें, 4 × 56 ग्राम, क्लियर है। अभी ये वाली कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं कि 80% प्योरी है, इसको पहले हम नॉर्मली करते हैं, गिवन नहीं कि 400 ग्राम से कितना मिलेगा, तो 4 × 56 कितना हो गया बेटा, 6 × 4 = 24, 5 × 4 = 224 ग्राम। ठीक है, तो 400 ग्राम मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, तो उससे मुझे 224 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम मिलेगा। यहां तक समझ आया, ठीक है, अब हम ये अप्लाई करेंगे, तो आंसर तो ये नहीं है क्योंकि हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी है कि अगर सपोज मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट 80% प्योर है, 80% इट इज प्योर, तो सिंपल है बेटा ये क्वेश्चन, मेरे घर में दूध वाला दूध देके आता है, हमारे तुम्हारे घर में भी दूध वाला देके आता है, वो 80% प्योर मिल्क ही देता है बेटा, बताओ। ठीक है, तो वो 80% प्योर मिल्क देता है, तो बताओ घर में मिल्क कितना आ रहा है, बताएंगे सब लोग घर में कितना मिल्क आ रहा है बेटा, है कितना आ रहा है, 80% प्योर, 1 लीटर लेते हैं तो 800 ml ही आ रहे हैं हमारे पास, तो हमारी बॉडी में भी तो 800 ml ही जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 80% ले रहा हूं तो प्रोडक्ट भी तो 80% ही मिलेगा, है ना, प्रोडक्ट भी हमें 80% ही मिलेगा। तो सपोज 400 ग्राम में से कितना 80% हुआ, अगर एक मोल है 100 ग्राम है पर 80% कैल्शियम कार्बोनेट है, बाकी इंप्योरिटीज है, तो वो तो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं देंगी, कितनी देंगी, 100 ग्राम में से 80 ग्राम ही कैल्शियम ऑक्साइड देंगी, तो 400 ग्राम में कितना हो जाएगा, फिर 400 ग्राम का 80% कितना हो जाएगा, 100 ग्राम का 80 ग्राम, तो 400 का 360 ग्राम, क्लियर है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि हम 1 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं, बाकी सब हो जाएगा हमारे पास। तो फर्स्ट लिखते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 56 ग्राम ऑफ क्विक लाइम, 56 ग्राम ऑफ क्विक लाइम, क्लियर। तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना देगा, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देगा 56/100, मुझे कितने के लिए फाइंड करना है, 400 का 80% तो 400 का 80% कितना होगा, ये सब तो सिंपल है, आता ही होगा 0 and 0, तो 8 × 4 ना कितना आएगा भाई, 32, इट विल बी 320 ग्राम। तो बताओ 1 ग्राम के लिए इतना मिलता है, तो मुझे 320 ग्राम से कितना मिलेगा,
320 grams of calcium carbonate will give us 56 by 100 into 320. सॉल्व करके आंसर लिखेंगे सब लोग, सॉल्व करके आंसर लिखेंगे सब लोग, पॉज करके लिखो, मैं वेट कर रहा हूं अभी कमेंट्स में, मैं देख रहा हूं, बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है। चलो बेटा सॉल्व करो, क्यों नहीं कर रहे हो भाई, वीडियो को फॉरवर्ड कर रहे हो, वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हो, आंसर सॉल्व करो। मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम जाता है, ये 10 मैं हटाऊंगा तो 5.6 लगाऊंगा, 32 into 5.6 देखो है ना, 6 2s are 12, 6 3s are 18 into simple है 5 2s are 10, 5 3s are 15, 1 16, तो ये कितना आया अभी 2 8 178.2, कुछ मैंने मिस्टेक करी, 6 2s are 12, 3s are 18, 119 आएगा यहाँ पे, तो आंसर आएगा 179.2 grams. I hope सबका आ रहा होगा और सबको बढ़िया लग रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ही है ना, होमवर्क या अभी के अभी क्लास वर्क ही है ना, ऑनलाइन क्लास वर्क है, ऑनलाइन क्लास वर्क है ना, पहले जैसी क्लासेस तो रही नहीं। देखो अब इसका उल्टा है क्वेश्चन, पॉज करके सेम कंसेप्ट देखो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं और सब लोग ट्राई करेंगे फिर इसको है ना, प्लीज डू ट्राई, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर है कि बाय डीकंपोजिशन ऑफ 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन हो रहा है, 11 ग्राम CO2 इज ऑब्टेन्ड, CO2 मिल रही है अब हमें 11 ग्राम, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में लिख लो भाई कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास 50 ग्राम है और ये हमें दे रहा है 11 ग्राम CO2, देन फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताओ 50 ग्राम है मतलब हाफ मोल हुआ, अब तो पता ही है ना इसका 100 ग्राम होता है और 50 ग्राम है तो हाफ मोल CO2 मिलनी चाहिए, डायरेक्टली हो जाएगा क्वेश्चन बेटा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 50 ग्राम का मतलब है कि मेरे पास हाफ मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो मुझे CO2 भी कितनी मिलनी चाहिए, हाफ मोल CO2 मिलनी चाहिए। तो CO2 वन मोल CO2 का वेट कितना होता है, वन मोल CO2 इज 44 ग्राम, तो मतलब कि अगर 100 ग्राम लोगे तो 44 ग्राम मिलती है, 50 ग्राम ली तो हमें 22 ग्राम मिलनी चाहिए ना, हाफ मोल CO3 मतलब 50 ग्राम, यस 22 ग्राम्स, दिख रहा है भाई सबको क्लियर। तो 50 ग्राम्स पर मिल कितनी रही है 11 ग्राम, मतलब कि प्योरिटी कितनी हुई, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होता है प्योरिटी फाइंड करने का, देखो परसेंटेज प्योरिटी ऑब्टेन्ड मतलब कि कितनी क्वांटिटी, ऑब्टेन्ड क्वांटिटी अपॉन थियोरिटिकल क्वांटिटी, थियोरिटिकल मतलब कि कितनी मिलनी चाहिए एज पर फॉर्मूला, परसेंटेज है तो इनटू 100, तो मिल कितनी रही है 11, मिलनी कितनी चाहिए 22 इनटू 100, खुद सॉल्व करके आंसर लिख देना, मैं नहीं बता रहा इसको, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, इतना आसान सवाल है ये, ओरली मैंने बोला था ओरली हो जाएंगे और जब हम अभी कॉपी में खुद से सॉल्व करेंगे तब होंगे ना बेटा, और एग्जाम में अभी जितनी भी बार कॉपी में या शीट में प्रैक्टिस करो वो तुम्हें थ्योरेटिकली करना है, हर चीज़ समझा के लिखनी है अपने लिए ताकि एग्जाम में तुम ओरली कर सको और ऐसे क्वेश्चंस में टाइम बचा सके हम। क्लियर है क्वेश्चन, आई होप क्लियर होगा।